नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट, यूनिक और आसान तरीके से बनाई जाने वाली राजस्थानी दाल। इसके लिए दोस्तों हमने 2 भाग चना और 1 भाग मूंग दाल का उपयोग किया है। आप चाहें तो बाजार में उपलब्ध कोई भी मिक्स दाल का उपयोग कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों इस स्वादिष्ट दाल की रेसिपी जानने के लिए। एक बाउल मैंने दाल ले ली है, एक बाउल, और इसे 1 घंटे तक मैंने गुनगुने पानी में भिगो कर रखा है और उसके बाद इसे अच्छी तरह साफ पानी से धोकर रख लिया है, ये देखिए। और इसके साथ ही मैंने कुकर लिया है और कुकर में 6 बाउल पानी, इतना मैंने ये दाल लिया है उसका 6 बाउल पानी मैंने इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट राजस्थानी दाल है दोस्तों। पानी में दोस्तों सबसे पहले डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची, दोस्तों काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, ये राजस्थानी दाल है दोस्तों। अब डालेंगे इसमें दोस्तों स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच रिफाइंड तेल। ये दोस्तों एक उबाल आने तक हम पकने देंगे। ये उबाल आ गया दोस्तों इसमें, और अब इसमें दाल डाल देंगे हमारी भिगो के जो हमने रखी थी। ये देखिए दोस्तों ये उबाल आ गया है दाल में, और अब हम इसे ढककर और 2 सीटी लगने तक पकाएंगे आराम से। ये दोस्तों हो गई हमारी दाल और 5-7 मिनट से ठंडा होने के बाद ये देखिए दोस्तों उड़ चुकी है दाल अच्छी तरह से, और अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। ये तड़का तैयार करें दोस्तों, तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है इसमें। ये घी गर्म हो गया हमारा, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, पकने देंगे हल्का से। जीरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे मिर्च, आपके पास अवेलेबल तो आप भी डालें अपने टेस्ट के से, और राई डालेंगे साथ में 1 चम्मच, और 1 चुटकी हींग। ये तड़का तैयार हो गया हमारा, अब हम इसे डालेंगे दाल में, डाल के इसे बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए बंद ही रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्वादिष्ट दाल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल राजस्थानी दाल। और ये देखिए धनिया से इसे थोड़ा गार्निशिंग कर देंगे। एक बार जरूर बना के देखे दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक तरीका है इसका, राजस्थानी तरीका है। तो दोस्तों आपको हमारी दाल पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत।